रहे थे वहां पे ताली बजा रहे थे। सर आपसे बात हो जाए, क्यों ताली बजा रहे थे पहले मुझे बताइए, क्यों ताली बजा रहे थे सर, क्यों ताली बजा रहे थे? सर क्या बताइए सर, क्या सबसे पहले मैं आपके चैनल ढंग में बात करता हूँ। बहुत धन्यवाद। क्या सर स्थानीय मुद्दे क्या हैं? स्थानीय मुद्दे देखिए कुछ है नहीं, क्योंकि हम सब हमारे संविधान के अंतर्गत संविधान में सबको अधिकार है मत देने का, स्वतंत्रता अधिकार है मत देने का। मत में हमारी किसी ने कहा है, किसी रहिंगा सिंह कहा है, गिंग सबंग के रखत गिंग रखे न कोई। अरे वाह, जो गिंग रखे गिंग बन गुस्सा हो। अरे वाह, गरीब सबको देखता है, गरीब को कोई नहीं देखता। गरीब सबको देखता है, गरीब को कोई नहीं देखता। अरे वाह, बहुत बढ़िया। जो गरीब को देखता है भाई के समान भगवान होता है, भगवान के समान होता है। अरे वाह, रही बात चुनाव की आपकी, मेन मुद्दा आपका चुनाव का है। चुनाव में हम किसी जाति भेदभाव से नहीं करेंगे, जो विकास करेगा विकास के नाम पे अपना मत देंगे। किसको देंगे ये हम मुझे मालूम है। इसे राम प्रसाद विश्व ने कहा था कि सर पड़ोसी की कमन्ना अब हमारे दिल में है, ये खंगा है बाजू जो कहेंगे कातिल में। अरे वाह, इसमें क्या बताऊँ, बहुत बढ़िया। मुझको वो किसको देंगे, हम विकास के नाम पे देंगे, नाम जाएंगे। लेकिन विकास तो हो नहीं रहा साहब, हम हर जगह चले जाते हैं, कोई भी चुनाव हो सर, कोई भी चुनाव हो, जनता हमेशा रोती है। किसी महात्मा ने कहा है कि सरोज पट पे बैठे हुए व्यक्ति सभी को संतुष्ट करे, यह असंभव की बात है। अच्छा, क्या आपने बोला फिर? किसी महात्मा ने कहा है सर्वोच्च पद पे बैठने वाले व्यक्ति सभी को संस्कृत करे, यह असंभव की बात है, संभव ही हो सकता। अच्छा एक चीज सर, इतना अच्छा बता रहे हैं लेकिन सब दूसरों का बता रहे हैं, आप अपना कुछ तो बताइए। मैं देखिए संविधान पढ़ाऊँ, मैं संविधान से बात करूंगा, अपने बात से बात नहीं करूंगा। अच्छा अच्छा, लेकिन मगज नहीं चलेगी, मैं संविधान के कार्य बात करूँ, संविधान की बात किया हूँ, संविधान पे गाऊंगा। आपने बहुत अच्छी बात की सर, और सबसे अच्छा आपका लगा कि सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और यही बड़हलगंज की जनता है भैया। यहाँ पे किसी का भी वोट निश्चित नहीं होता, और हमारे यहाँ के चेयरमैन यानी बड़हलगंज के जब चेयरमैन प्रत्याशी इतनी ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं कि बड़हलगंज में कौन जीत रहा है, ये वाकई में पूछ पाना वाकई में मुश्किल लग रहा है, हमें मुश्किल लग रहा है, तो तमाम सी चीज़ें हैं कि लोगों को कितना मुश्किल हो रहा होगा, तमाम सी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। क्या नाम है भैया? रवि भैया, ये बताइए क्या चल रहा है माहौल और बताइए बड़हलगंज का। बता है? हाँ बता, अरे ऐसे करके बताइए, हम भी बता रहे हैं, बताइए। हाँ बताइए बताइए। मोनू भैया जीता आना जरूरी है। मोनू भैया कौन, मतलब कहाँ से? अंसारी, अंसारी। अच्छा मोनू अंसारी, कहाँ से लड़ रहे हैं सर? बड़हलगंज से। नहीं नहीं, चेयरमैन प्रत्याशी हैं आप सभासद के? चेयरमैन के। किस पार्टी से हैं? निर्दलीय है? निर्दल। अच्छा निर्दल है। अच्छा क्या हुआ? आर्टी टिकट नहीं पाया। अच्छा लेकिन निर्दल है। निर्दल। अच्छा एक चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही कि सबका दल तो दलदल है, हमारा दल निर्दल है, यही है भैया। निर्दल वालों ना थोड़ा सा गेम ना इतना टर्न कर दिए हैं कि जब हम लोगों से पूछ रहे हैं कि कौन जीतेगा पार्टी के नाम पे, वो कह रहे पार्टी नहीं, बड़हलगंज में कभी कोई निर्दल भी छक्का मार जाता, तो यही है, ये तमाम सी चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी। भैया थोड़ा नाम आप बता दीजिएगा, क्या नाम है? तो ये बड़हलगंज की जनता है भैया, यहाँ कौन जीत रहा है ये बता पाना मुश्किल है। ठीक, तो फिर मिलेंगे आपसे कहीं और भी, एक बार बोल दीजिए फिर कहीं मिलेंगे। मिलेंगे भैया, मिलेंगे आप नहीं हम भी मिलेंगे, मिलेंगे भैया जरूर मिलेंगे। तो कैमरे के पीछे अजय हैं और आप गोरखपुर दस्तक देख रहे हैं।